दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो सर्च इंजन होती है, अगर इसका हम हिंदी नाम जाने तो सर्च का मतलब क्या होता है, खोज, ठीक है। इंजन का मतलब इंजन, हिंदी नाम क्या होगा, खोज इंजन, खोज इंजन, ठीक है। सर्च इंजन का मतलब क्या हुआ, खोज इंजन मतलब सर्च करना, किसी भी चीज को इंटरनेट से सर्च करना। सर्च इंजन जो होती है वो क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होती है जो कि इंटरनेट के द्वारा इसे चलाया जाता है। सर्च इंजन क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट के द्वारा इसे चलाया जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों सर्च इंजन में हम किसी भी चीज को बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं, कोई भी कीवर्ड डालकर उस चीज के बारे में हम बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट है। जैसे कि आप क्या कर लेते हैं, वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेट में आप वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आप वहां पर क्या डालते हैं, google.com, ठीक है। तो जो google.com है वो क्या है, एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि सर्च इंजन के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन क्या होती है, ठीक है। तो सर्च इंजन किस तरह से कार्य करता है, जो सर्च इंजन होती है, जब भी हम सर्च इंजन पर कोई भी कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने उसका रिजल्ट दिखा देता है। सर्च इंजन उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट दिखा देता है। जैसे हम मान लो सर्च इंजन में डाल रहे हैं कार की प्राइस, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार की कार की प्राइस दिख जाएगी, ठीक है। तो आपको जिस भी कार की प्राइस चाहिए वहां से आप उस कार की प्राइस देख सकते हैं। तो इस प्रकार से सर्च इंजन हमारी जो काम है उसको बड़े आसान कर देता है, हमारे काम को आसान बना देता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सर्च इंजन किस तरह से वर्क करता है, इंटरनेट के अंदर जो सर्च इंजन होती है वो किस तरह से कार्य करता है। दोस्तों जो सर्च इंजन होती है वो क्या करती है, जब भी हम सर्च इंजन पर कोई भी चीज को सर्च कर लेते हैं, ठीक है, सर्च इंजन से या सर्च इंजन पर किसी भी चीज को सर्च कर लेते हैं तो क्या कर लेती है, क्योंकि हमारे पास जो सर्वर होती है दोस्तों, ठीक है, हमारे पास जो सर्वर होती है वो वहां पर क्या होती है, हर एक चीज को आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होती है वो कहां पर स्टोर रहती है, सर्वर में, ठीक है, www में, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमारी जो डाटा होती है वो कहां पर स्टोर होती है, सर्वर में स्टोर होती है, ठीक है। तो सर्च इंजन में जब भी हम कोई कीवर्ड डालते हैं तब वो क्या करती है, उस सर्च इंजन के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा जाता है, किसके पास, सर्वर के पास, ठीक है। उस डाटा को एक्सेस करने के लिए सर्च इंजन के द्वारा सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजा जाता है। फिर सर्वर से क्या होता है, वो जो डाटा है वो उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। फाइंड आउट कर लेने के बाद दोस्तों वो जो डाटा प्राप्त होती है, सर्च होती है, उसको फिर सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स कर दिया जाता है, किसको, सर्च इंजन को, ठीक है, सर्च इंजन को सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी डाटा को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, उस सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। सर्च इंजन क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, किसी भी डाटा को पाना है, किसी भी डाटा को सर्च करना है, तो जो सर्च इंजन है वहां पर हम क्या करेंगे, कीवर्ड डालेंगे, कोई भी कीवर्ड डालेंगे, जिस भी चीज को हमको ढूंढना है उसका एक कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड डालने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको सर्च कर देंगे। तो सर्च जो इंजन होगी वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट भेजेगी, किसके पास, सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज देगी, ठीक है। सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो क्या करेगी, सर्वर आपने जो कीवर्ड डाला है, ठीक है, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो सर्वर वहां की जो डाटाबेस होगी वहां से उसे ढूंढ लेगी, सर्च कर लेगी। सर्च कर लेने के बाद सर्वर को वो जो डाटा प्राप्त होगी तो क्या कर देगी, इसको रिस्पॉन्स कर देगी, किसको रिस्पॉन्स कर देगी, सर्च इंजन को। तो इस प्रकार से हम किसी भी चीज को
क्या कर सकते हैं, सर्वर से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सर्च इंजन का यूज करते हुए। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन क्या होती है, एक वेबसाइट होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने डाटा तो सर्च कर लिया, अब वो डाटा क्या हो सकती है, एक इमेज भी हो सकती है, ठीक है, एक टेक्स्ट भी हो सकती है, ठीक है, एक ऑडियो भी हो सकती है, एक वीडियो भी हो सकती है, एक एनिमेशन भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। तो ये सब किसके माध्यम से होती है, सर्च इंजन के माध्यम से, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन क्या होती है। देखो, जब सर्च इंजन नहीं था उस टाइम हमको किसी भी चीज को, ठीक है, जैसे वेब ब्राउजर है, वहां से फाइंड आउट करना पड़ता था। अगर हम हर चीज को वेब ब्राउजर से फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट को हमको याद रखना पड़ेगा, जो कि काफी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। आप प्रत्येक चीज का वेबसाइट याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसी को आसान करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेट पर सर्च इंजन का आविष्कार किया गया, जिस पर हम केवल और केवल कीवर्ड डालकर उस चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक। और यहां पर मैंने बताया कि सर्च इंजन के अंतर्गत क्या क्या हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ सर्च इंजन के बारे में। जैसे यहां पर मैंने लिखा है गूगल, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग, बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। old.com, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है americanonline.com, ठीक है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है। इसी तरह से यांडेक्स, यांडेक्स क्या है, एक सर्च इंजन है। DuckDuckGo, ये क्या है, ये सर्च इंजन है। तो यहां पर कुछ सर्च इंजन के नाम मैंने लिख दिया है, आप इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों के माइंड में जो भी सर्च इंजन के बारे में डाउट चल रही थी वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।